मैडम जी आपने काजल राघवानी जी के साथ 2 साल फिल्म कर चुके हैं, आज इस मूवी की शूटिंग चल रही है, क्या क्या जाना है? सबसे पहले आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और यही कहना चाहूँगा अच्छा लग रहा है, फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। रिसेंटली जो हमने फिल्म की थी सुरताल, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी है। दर्शकों का क्या अपीयरेंस मिलता है, क्या प्यार मिलता है, वो तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग शूटिंग को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। काजल जी एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत सपोर्ट कर रही हैं और बहुत अच्छी से शूटिंग हो रही है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। ये फिल्म जिसका नाम है होली का दहन, कुछ डिफरेंट स्टोरी है, कुछ हॉरर से कनेक्टेड है, और कुंदन जी के साथ मेरी सेकंड फिल्म है, और फर्स्ट फिल्म में हमारा केमिस्ट्री अच्छा रहा तो हम लोग सेकंड कर रहे हैं, आगे भी रहेगा, सेकंड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ट्यूनिंग हमारा बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है, इसलिए कर रहे हैं, और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है होली का दहन, तो आएगी तब ज़रूर देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी लगेगी। इस फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितने हटकर है ये फिल्म? अटकरी होगी, बिकॉज़ अभी तक तो हम लोग फैमिली से रिलेटेड हम लोग ने फिल्म करी है, और इसमें हम लोग कुछ हॉरर टाइप का हमारा सीक्वेंस है यहाँ पे बहुत सारा है, और उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने ज़्यादातर बहू में बनी हूँ ज़्यादातर फिल्मों में, और यहाँ पे कुछ अलग है कैरेक्टर मेरा, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं कहूँ तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ, कुछ अलग करने को मिला, पल्लू से मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ झाड़ू पोछा और सब से तो एंजॉय कर रही हूँ। और तीसरा, आपका क्या रोल है इस फिल्म में, और आपकी आई हुई फिल्मों से कितना अलग रोल है इस फिल्म में? जैसे कि मैंने कहा कि इसमें मैं, मेरे अंदर किसी आत्मा का प्रवेश होता है, तो उसी के बेस पर बहुत सारा हमारा कनेक्टेड है फिल्म, और उस बीच में मैं कैसे वहाँ से निकलती हूँ, और एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, शूटिंग भी बहुत प्यारा हुआ है, और हम लोग गुजरात में शूट कर रहे हैं आणंद में, तो सब लोग के साथ, सारे यूनिट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, और पर्सनली हमारे सर आए हैं, बहुत सारे बात मिले हैं मुझे, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज हो रही है क्योंकि ये आए हैं रामदेव सर आए हैं, हमारे कोरियोग्राफर हैं, और एक अभी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हम लोग शूट करने जा रहे हैं, तांडव है, सो लेट्स सी मूवी आती है तब कैसा लगता है आप सबको। इस फिल्म में पहले काजल जी, मैं और भी भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रकाश जैस जी और ललित उपाध्याय जी और बहुत सारे हैं, नाम तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, छत्तीसगढ़ से भी कुछ आर्टिस्ट हैं, और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सबके साथ काम बहुत अच्छे से हो गया है, आज क्लाइमेक्स का शूट कर रहे हैं, और हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है रामदेवन सर आए हैं, तो उनके कोरियोग्राफी में जो डांस होगा वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, और काजल जी और मेरा उसमें है परफॉर्मेंस, तो ऑडियंस को दिखेगा तब पता चलेगा कैसा हुआ है। आज जो शूट हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल नाइट शूट हो रहा है, और यहाँ पे सॉन्ग है प्यारा सा तांडव है यहाँ पे, और उसमें एक्शन भी है, और हमारे सर कुछ कमाल दिखाएंगे, बाकी चीज़ हमारे सर बताएंगे, उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी बस यहाँ बैठे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, गाना कैसा है? बिल्कुल, भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ आप लोगों का रामदेवल, और आज जो गाना हम लोग शूट कर रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग है, क्योंकि काफ़ी सालों से कमर्शियल फिल्में नहीं बन रही है, फैमिली ड्रामा फिल्में बन रही है, और भोजपुरी में एक नया कंप्लीट पैकेज, मतलब जिसको मैं ऑलराउंडर बोलूँ, उस तरह का एक हीरो कुंदन आने वाला है, और आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और काजल को तो आप लोग ने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिए हैं, हमें पिया जी के पत्री त्रिय, हम लोग का पहला हिट गाना चलकता अमरो जवनिया, दूसरा हिट गाना हुकूमत में, बहुत सारे सॉन्ग हिट दिए हैं हुकूमत में, काफी सारे सॉन्ग्स हैं, तो ये भी हिट हो, ये भी तो बहुत हिट होगा, क्योंकि इस गाने में हम लोग कुछ नया ला रहे हैं, एक्शन विथ डांस, वो भी रुद्र तांडव,
तो एक नया कोरियोग्राफी देखने मिलेगा, और जिस तरह आप लोग प्यार और आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाए हैं उससे ज़्यादा ब्लेसिंग इस सॉन्ग को दीजिएगा, और काजल और कुंदन को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बूम बूम रॉक कर लीजिएगा सॉन्ग को। गाने के बारे में, आज जो गाना शूट हो रहा है गाने का पूरा मूड है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं बताऊंगा क्योंकि लीक हो जाएगा, और इस गाने में हीरो का एक्शन दिखेगा प्लस रुद्र तांडव दिखेगा, और काजल इस गाने में क्या बनी है हम फिल्म आने के बाद और ट्रेलर में बताएंगे कि काजल का क्या कैरेक्टर है, और इस फिल्म में बहुत जबरदस्त रोल है काजल का, और तीन चार वेरिएशन एक हीरोइन को करने मिलेगा। वैसे भी ग्रेट परफॉर्मेंस है, ग्रेट परफॉर्मर है, और तो आप लोग एंजॉय करेंगे फिल्म को देख के, और बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट फिल्म बन रही है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए हमारा फाइट मास्टर भी आया हुआ है, देखो ये हमारा फाइट मास्टर है, ये हमारा फाइट मास्टर प्रदीप कड़का, कम ईयर आइए आइए, कम ईयर कम ईयर कम ईयर कम ईयर आई आई मास्टर जी। अच्छा हम लोग नेपाल के इंटरव्यू लेंगे जी। सर ये फिल्म के बजट कितनी है? बजट तो बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी है, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग मल्टीप्लेक्स में आके फिल्म को देखोगे तो हम लोग को और प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। दर्शकों से बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरा यूनिट बहुत मेहनत कर रहा है फिल्म बनाने में, और अभी देखिए इतना नाइट हो चुका है, 2 बज चुके हैं और अभी तक सब लोग जगे हैं, और फुल नाइट हमारा शूट है, दोपहर से सब लोग काम ही कर रहे हैं, तो बहुत सारा मेहनत लगा है इस फिल्म में, तो जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, आप सबको बहुत मजा आएगा, फुल टू एंटरटेनिंग है, और सब लोग की मेहनत है, तो सबको सपोर्ट करिए, प्यार करिए और आशीर्वाद दीजिए कि और भी आगे अच्छी अच्छी फिल्में हम लेके आए और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, बस हमें हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। जय हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं साजिद मलिक जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है ये होली का दहन, और बहुत अच्छे से उन्होंने शूट भी किया है, बहुत अच्छे राइटर भी है हमारे इंडस्ट्री के, बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी है, और मुनव्वर जी हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, अनिल जी हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत उन्होंने हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करी है, हर एक प्रॉपर्टीज़ मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनी है, प्रॉपर लोकेशंस दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, और ऐसे ही हमेशा सब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आते रहे और अच्छी फिल्म बनाते रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे, बस यही चाहेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर द नाइस इंटरव्यू। शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है जैसे, और ये फिल्म जो है वो एक अलग टाइप की फिल्म है, मैं पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये फिल्म बहुत, इसकी कहानी कैसे बता सकता हूँ, ये इनसे पूछ लीजिए इस फिल्म के बारे में। बोलिए। आप सभी को नमस्कार। इस फिल्म में, फिल्म की कहानी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, पूरी नहीं बताना। हाँ पूरी नहीं बताऊंगा, हॉरर कॉमेडी पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और आपको जगह जगह पे रोमांस देखने को मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से, बहुत सस्पेंस है, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी ही मतलब मेन जो होता है, कसी हुई कहानी है, एक्टर सारे एक से एक है, सारे एक्टर एक से एक है इसमें। इसमें मेरा बेसिकली 3 डिफरेंट कैरेक्टर है, आपको देखने को मिलेगा, एंजॉय करेंगे। हाँ आप बोलिए। इस फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के हीरो हीरोइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं साजिद मलिक, और हीरो हीरोइन है काजल रघवानी, कुंदन भारद्वाज, हमारे देवेंद्र झांगड़े जी। कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है,
रिबर्थ स्टोरी है, हॉरर हॉरर मूवी है, दूसरे टाइप की हॉरर है। हाँ ये फिल्म देखे आप लोग, इंजॉय कीजिएगा। श्योर की फिल्म बहुत अच्छी लगेगी आपको। अभी तक जिन लोगों ने भी देखा है बहुत पसंद किया है, और हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं इसमें, एक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है, एंड बहुत अच्छे इंसान हैं, वेरी टैलेंटेड। दर्शक इस फिल्म को कब तक देख पाएंगे? दर्शक इस फिल्म को अगस्त तक लगभग देख लेंगे, रिलीज हो जाएगी अगस्त तक, हो जाएगी। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, कुछ बताएंगे? अगले प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, स्टोरी पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसके लिए भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द बनाएंगे।